सैयद मोहम्मद हसन एक बुजुर्ग हुए बगदाद में, मगर वो रहते थे मुल्क शाम। किसी ने, अब अल्लाह ने इनको ऐसा कष्ट दिया था, ऐसा हुस्न दिया था कि अभी आप सब सुनाने लगाए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आपको अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था, ऐसी कशिश भी थी कि जो उसे देखता था ला इलाहा पढ़ लेता था, कलमा पढ़ लेता था, देखने से ही कलमा पढ़ लेता था। किसी ने कहा कि आप बगदाद में जाएं, बगदाद में जरा कुछ ज्यादा ही जोर शिर्क बिद्दत का हो, जैसे आपके दिल में ख्याल है कि बगदाद में भाई मदीने में भी हो गया है, हाल में भी हो गया है, हालात खराब है ना। जिस एक छोटी सी बात करता हूँ मगर पूरी इस्लाम का निचोड़ है इसमें, समझो तो। जिस मेरे प्यारे नबी आका हर आलम के सरदार ने जो मेहनत की यहूदियों को निकालने की और बेशर्म हया को, जीना को, जुआ को, शराब को ख़त्म करने की जो कोशिश की आपके सहाबाओं ने, आपके अहले बैत ने, आपके ताबेईन तबे ताबेईन औलिया अल्लाह ने, वो कोशिश करके दूर फेंक दी वो चीज़ को, अफसोस है कि फिर वही चीज़ वापस मिली नहीं। आज देखो मक्का में ये सलमान आया, ये भी एक सरकार की हदीस है कि आखिरी ज़माने में एक लोनी का लड़का होगा जो मेरे मदीने में लाश करेगा और जो नहीं होने का होगा वो मदीने में करेगा, मक्के में करेगा। है मक्के में थिएटर बना दिया, मदीने में बना दिया। ये गोरी चमड़िया वाले जो मैं आपको इशारा करता हूँ मेरी बात समझते हैं, वो हुदूद हरम तक पहुँचे। अस्तग़फिरुल्लाह। आज बताइए मेरे आका का कितना दिल नाराज होता है। तो ये भी एक ऐसा नहीं है कि भाई बगदाद गौस पाक का बगदाद, अरे गौस पाक का नहीं, बड़े बड़े अवलिया अल्लाह का बगदाद, वहाँ 100 से ज़्यादा जाहिद मुजाहिद ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम से अल्लाह दुआ कबूल फरमाते हैं। बगदादी श्री सही, क्या हज़रत बहलुल दाना, क्या हज़रत मारूफ सरकी, हज़रत इमाम गज़ाली, ऐसे ऐसे 100 से ज़्यादा हुज़ूर गरीब नवाज के वालिद साहब, ख्वाजा नयाशुद्दीन, वो अतराफ में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, क्या अतराफ में सब हज़रत सैयद अहमद कबीर माशुकुल्ला, सिलसिले रफाइया के बुजुर्ग। मगर आज भी उनकी शान यह चलती है और शान बात करते हुए ये बात समझाओ, सैयद अहमद कबीर माशुकुल्ला के दरबार में आज भी जो है मगरिब के टाइम लोबान होता है ना, तो वो अहमद कबीर की रुबाई पड़ जाती है, शाह मन सुल्तान आलम, और यूँ करके हम बंदूक मारते थे और आशिकों को सामने खड़े करते गोली नीचे, कुछ नहीं होता। और सरकार का फरमान है, यहाँ बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है, जब सारे सिलसिले कमजोर हो जाएंगे तब मेरा सिलसिला उर्ज का है। सुभान अल्लाह। सैयद अहमद कबीर माशुकुल्ला बहुत बड़े पाए के हौज पाक से किसी ने कहा था इश्क क्या है, कहा जाओ अहमद कबीर से पूछो। मैं इंशाल्लाह कल याद दिलाएंगे तो बताऊंगा इश्क क्या है। इंशाल्लाह
तो सैयद मोहम्मद हसन साहब को अल्लाह ने जो बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हुए वली हुए उसको अल्लाह ने ऐसा नूर चेहरे पे दिया था कि उसको देखते ही लोग कलमा पढ़ रहे। तो जैसे बगदाद में कुछ यहूदी लोग रहते थे, ईसाई लोग रहते थे, उसके मोहल्ले से किसी ने कहा कि वहाँ बस ज़्यादा शिर्क है, बस ज़्यादा गुनाह होते हैं। तो लोगों ने कहा, तो आपने कहा हमारी शवारी वहीं से निकली, अरबी घोड़े आपने कभी देखे हो या वर्कशॉप में जाते देखो, अरबी घोड़े की चाल क्या 40 आपके मुरीद और आप 41 मान सब के सब अरबी घोड़े में सवार, सब के सब ने जो है वाइट कलर का कुर्ता, हरे कलर का मामा और 20 आगे 20 आगे पीछे और थोड़ा सा आपका घोड़ा आगे और अरबी घोड़े की चाल में आ रहे हैं। और एक शमा ऐसा हो गया था, लोग देखते थे कहते थे सुभान अल्लाह। जब एंट्री हुआ ना उस मोहल्ले से बगदाद में आते आते एंट्री हुआ ना, तो लोगों ने बात जाहिर की मोहम्मद हसन साहब, मोहम्मद मोहम्मद हसन साहब, मोहम्मद मोहम्मद हसन साहब आया है। तो यहूदियों की औरतें, ईसाइयों की औरतें, मोमिनों की औरतें अपना दरवाजा खोल के, खिड़कियों पे खोल के आपका दीदार के लिए आते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान। नीचे से कोई इधर से कोई उधर से, वो अरबी के घोड़े की स्टाइल जो चलने की थी और आप इसके ऊपर बैठे देर से, सुभान अल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह की स्टाइल होती है अरबी घोड़े की ना। आप कभी देखो वर्कशॉप पे जाके वो चलता है तो लोगों को भी ऐसा लगे कि डांस कर रहा है, अल्लाह बोल्ला कर रहा है, सुभान अल्लाह अल्लाह बोल्ला कर रहा है। तो वहां से जितने भी औरतों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने और बच्चियों ने, बच्चों ने देखा, वो बेसाख्ता उनको देख के बाकायदा अंदर से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे के सारे घर के बाहर और कहा कि या मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप बहुत देर से आए। और घोड़े से नीचे उतर कहा कि मैं मोहम्मद नहीं हूँ, मैं तो इसके दर का अदना का खासी, मैं गुलाम हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सारे वो मोहल्ले के अंदर लोग जमा हुए, क्या हुलियातुल औलिया किताब में ये किस्सा लिखा है, तो सारे लोग जमा हुए और जमा होते हुए सब ने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर जब आपकी आल की आल की आल की आल की आल की आल की आल ये है, बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का ये कमाल है, तो दादा का कैसा। ऐसे अनवरुल आरिश ने किताब दी है 1950 में छपी है, मेरे पास भी है बहुत सही गुजराती में भी है, इंशाल्लाह मैं कभी इसके दीदार करूँगा। तो उसमें किताब में लिखा हुआ है हज़रत सैयद बदरुद्दीन अहमदुल्लाह, वो रात दिन जिक्र करते थे। अब जिक्र करने से क्या होता, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे रात दिन, घर वाले माँ वगैरह सब कहते थे क्या करता है, बस मेरे पीर ने दो कलमे दिए, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना, रमज़ान के सारी इबादत करना और हर काम में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई काम करे तो बस वो रिटर्न चालू। फिर एक दिन हो गया, वो आ गया सुभान अल्लाह, रोज ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा करता था। वो नहीं मैंने बताया था मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने की बात, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह करते करते मैं अल्लाह करते करते रोज ला इलाहा ला इलाहा करता। एक दिन ला इलाहा आ ही गया सामने, रात को इसने देखा कि मेरे जो है जिस्म में कोई नूर घुस गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या। और वो आज भी एक्शन सुने हैं, सफीना के ऐसा कुछ सिलसिला है, आज भी तुम वर्षों पे देखो वो पीर साहब यूं करते हैं ना तो लोग उछलते हैं, यूं करते हैं नूर देते हैं, हालांकि सिलसिला दिक्षमंदिया में इजाजत है, मेरे को इजाजत है, क्या है अपने अभी धीरे धीरे शुरू करते हैं ना, लोग समझे कि भाई वो बाहर हवा फिर अच्छी फैलनी चाहिए ना, अरे कहीं जादू करके दे तो क्या नूर फिर आज भी करंट आ जा रही है। अभी वो सफीना है, आप यूट्यूब पर जाओगे
तो डाडी वाले हैं लाल डाडी वाले ऐसा जिक्र कराते हैं। तो मख्तसर वो बदल के सामने जिक्र कर दिया तो शहर मुफ्ती को इसने मशवरा पूछा, मसला पूछा कि मुझे हुजूर ऐसा फरमाए। बोले यार मुबारक हो लाभ तुम्हारे हाथ तुम तुम्हारे नहीं। बोले बोले नहीं तुम ये बरसों से राय ना करते हो, कितने साल से करते? बोले हुजूर 30-35 साल हो गए, जवानी से करता बुढ़ा हो गया। बोले अब तेरे में रंग आ गया। बोले क्या? बोले जा पहले कब्रिस्तान, बोले जा पहले कब्रिस्तान, फिर क्या खाली के ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कब्रिस्तान में जाके खड़े रह गए। बुजुर्ग वो कहते 35-40 साल की उम्र थी, बचपन से जिक्र करते करते कब्रिस्तान में जाके कहने लगे हजरत सैयदना बदरुद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारी कब्र के अंदर से आवाज आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सब कब्र के साथ बाहर।